सोमवार को गुलाम मां ने मुस्तफा कमेटी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ये कहा गया कि मंगलवार को पैगंबर इस्लाम हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा गया कि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए जुलूस में 3 पहिया व 4 पहिया वाहन पर पाबंदी रहेगी। जुलूस मोहम्मदी बाद नमाज असर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के चौराहे से शुरू होगा। साथ ही गुलामान मुस्तफा कमेटी की जानिब से जामा मस्जिद चौराहे पर कैंप लगाकर राह चलते लोगों को लंगर भी बांटा जाएगा। साथ ही कमेटी के मेंबरों ने जुलूस की परमिशन मिलने के बाद प्रशासन का शुक्रिया अदा भी किया। बैठक में संस्थापक सलीम वारसी, महासचिव उस्मान अली एडवोकेट, कोषाध्यक्ष नवेद अली बैग, मासूम अली उर्फ बाबू और मोहम्मद रजी सैफी मौजूद रहे। दिन है जश्न ईद मिलादुल नबी का, जिला प्रशासन ने परमिशन दे दी है जुलूस निकालने की, लेकिन उसके साथ शर्त यह है कोई 3 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन जुलूस में शामिल नहीं होगा। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े बनाकर लाते हैं, वो जो ठेलों पर फल बिकते हैं उन ठेलों पर वो रख कर लाएँ और बड़े अदब और तहजीब के साथ टोपियाँ उड़कर अच्छे कपड़े पहनकर जुलूस में लोग शामिल हों। किसी तरह की कोई बदतमीजी न करें, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल न करें जुलूस के अंदर, बड़े पुरअमन तरीके से जुलूस में शामिल हों। और अगर ये मौसम भी रहा, हल्की फुल्की बारिश भी रही, तो हम भी अल्लाह की रहमत बरसते में ही जुलूस में शामिल होंगे और जुलूस निकलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे साल ये प्रशासन की तरफ से इसकी जुलूस की जो परमिशन मिली है, जिस पर कोविड-19 की ऐसे पाबंदी लग गई थी, इसकी हमें बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियों के साथ हमें इसकी परमिशन दे दी है। तो जो गाइडलाइंस हैं कोरोना को देखते हुए उनका पूरा पालन किया जाएगा और किसी तरह की भी 4 पहिया वाहन या 3 पहिया वाहन इसमें जुलूस में नहीं हो और पूरा गाइडलाइन का पालन किया जाए। और जो हमारा गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का जो प्रोग्राम है जो 3 बजे से था, उसको हमने जुलूस को देखते हुए अब 6 बजे से कर दिया है। न्यूज़ डेस्क INN।